तो आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उससे पहले हम कर चुके हैं क्या क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। और आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके बारे में करेंगे बात। क्या होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हम काम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में क्या है, कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं, या मतलब जिस काम को मैंने कॉन्टिन्यू रखा था, कर रही थी। अब हम पास्ट में बात करें तो इसमें क्या, जो हम कर चुके हैं, कर रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, जिन सेंटेंसेस में आ गया उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है जी। तो लिखो, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कर रहा था, ठीक है। लग गया पता, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा है आपका यहाँ, कि जो काम हम कर चुके हैं, कर रहे थे, रहा था, रही थी, जहां पे आ गया वो आपका क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो गया, ठीक है। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, जैसे स्ट्रक्चर लिखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन इंटरोगेटिव के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसके लिए पॉजिटिव के लिए लिखो क्या आएगा, सब पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की क्या आएगी, आपकी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, यही होगा। सब्जेक्ट वॉज स्लैश वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही हुई। देन उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। लग गया पता कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, बोलो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ले आओ पहले यहां से, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, ओके। देन उसके बाद ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब इंटरोगेटिव में लाओ इसको, इंटरोगेटिव नॉट नेगेटिव वर्ड के लिए क्या करेंगे, वॉज वर्ड प्लस नॉट, अच्छा अब नॉट नहीं लगाया, ठीक है ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। अब वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है, कोई डाउट। कल का नाम भी हुआ है लेक्चर, हाँ जी, ये जो लास्ट वाला है ना, मतलब
नेगेटिव इंटरोगेटिव तो सेकंड लास्ट हो गया ये लास्ट वाला है कैसे मतलब जो आपका वाक्य है वो सीधा क्या नॉट और इसके साथ शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ मतलब सीधे आप उसके क्वेश्चन मार्क विद जो नेगेटिव सेंटेंस है वहां से शुरू होगा इसमें होगा जैसे वाज नॉट वर नॉट क्या तुमने ये नहीं किया था कि तुमने वो नहीं किया था ऐसे जो होते हैं सेंटेंस ठीक है अब लिखेंगे वाज और वर का किन किन के साथ प्रयोग होता है लिख लिया इतना इतना लिख लिया ना वॉज और वर का प्रयोग वॉज कहाँ कहाँ लगता है ही शी इट नेम सिंगुलर और आई के साथ ठीक है जी आई के साथ भी क्या लगता है वॉज ही शी इट नेम सिंगुलर एंड आई के साथ आपको वॉज लगेगा दे वी यू एम प्लूरल के साथ आपका क्या लगेगा वर लगेगा ठीक है जी जैसे जो हम वर्तमान इसमें लिखो नोट करके कि वर्तमान के काल्पनिक वाक्यों में वर्तमान के काल्पनिक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह हो जो हमारे प्रेजेंट के काल्पनिक वाक्य होते हैं ठीक है उनके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है चाहे हम उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें या फिर मेन वर्ब की तरह यूज करें लेकिन वर्ब का यूज वहां पे होगा जैसे फॉर एग्जांपल आई विश आई वर अ बर्ड मैं मेरे काश में क्या होता एक पक्षी होता ठीक है मैं अभी इसको क्या करूं प्रेजेंट में कर रही हूं लेकिन क्या है मेरी जो विश है उसके साथ जो है आपका क्या लगेगा वर्ब लगेगा ठीक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर मेन वर्ब जो भी होगी ठीक है लिखो इसमें बताना मेरे को कि ये सही है कि नहीं ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर स्लीपिंग He pretends as if he was sleeping. अभी हमने क्या पढ़ा बॉस का उपयोग कहां कहां होगा हाँ जी और वर्ड क्या है ही यहाँ पे प्लूरल है वर्ड किसके साथ होता है जो प्लूरल होते हैं वी यू दे और प्लूरल के साथ तो ही क्या है इधर सिंगुलर है तो बताइए यहां पे क्या होगा रूल के साथ तो आप सही बोल रहे हैं लेकिन अभी जो हमने पढ़ा ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर स्लीपिंग वो क्या कर रहा है प्रिटेंड कर रहा है प्रिटेंड को आप क्या बोलते होंगे हिंदी में प्रिटेंड समझो कि वो मतलब ड्रामा टाइप की कर रहा है ठीक है वो ये जता रहा है कि काश वो सोया होगा तो क्या है काल्पनिक नहीं हो रहा अभी हमने क्या पढ़ा जो काल्पनिक सेंटेंस आएंगे उसके साथ क्या लगेगा हर हालत में वर्ब लगेगा चाहे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे या मेन वर्ब की तरह तो मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है
जल्दी। हाँ जी, वर्ब क्या हुआ यहाँ पे आपका? हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सॉरी, सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, अब लिखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आ गए इतना? है आपको? एक हिमचंद, अभी आप बीच से आए हो ना, टेंस जब शुरू होते तब आए थे आप एक दिन, तो हमने सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस खत्म ही होने वाले हैं। चलो लिखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे टेंस होते होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भविष्य, ये तो हमें पता है कि भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो काम भविष्य में हो रहा है होगा, ठीक है, हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, होगा मतलब जहां पे भी गा गेगी, रहा साथ होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब हो रहा होना चाहिए, हो होना चाहिए भी काम, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो लिखिए कि जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन taking the examination at this time next month। क्या बोल रहे इसमें? We shall be taking the examination at this time next month। कि हम जो है, हम भी इस next month में, इस समय में जो examination ले रहे होंगे, ठीक है, help कर रहे होंगे, तो मतलब हम क्या आज के बारे में सोच के फ्यूचर को देख के बोल रहे हैं कि हम भी ये काम कर रहे होंगे उस टाइम। तो यही हुआ ना कि मतलब जैसे हम फ्यूचर में बोल के, अच्छा मैं इस टाइम पे ये काम कर रही हूँ, मैं एग्जाम दे रही हूँ, तो अभी जिसका भी एग्जाम होगा, मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ 30 को, तो यही सोच के बोलेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कि 30 तारीख को मेरा एग्जाम होगा, जहां मंडी में मैं एग्जाम दे रही होगी, तो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस में आएगा ना कि मैं उस टाइम पे ये काम कर रही होंगी, करूंगी, ठीक है। तो लिखो इसके स्ट्रक्चर को, बोलिए कौन बोलेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद नेगेटिव, बोलिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल अगेन, हाँ शैल नॉट बी होता है या शैल बी नॉट होता है? शैल नॉट बी मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये भी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर होती है ना, तो वो इसकी थर्ड फॉर्म है बी, ठीक है, बताई नहीं ये चीज तुम्हें? तो यहाँ पे नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में बोलो शैल विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. फिर नॉट में रखा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क. फिर उसके बाद शैल विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगी. सिंपल सिंपल टीचर का सब कर बना दो, कुछ नहीं है, सब कर बना सकते हैं आप.